आखिरी कारोबार दिनों में आई लुहा व सरिया के भाव में भारी उछाल के बाद आज एक बार फिर से आई लुहा व सरिया के भाव में भारी बदलाव। जी हाँ दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को इस समय। अगर आप भी घर और मकान बनवाने की सोच रही हो या फिर घर और मकान बनवाने जा रही हो, आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दूं, इस समय लुहा व सरिया के भाव में भारी बदलाव देखने को मिल रही है। इसी बीच जान लेते हैं TMT सरिया के भाव में कितनी बड़ी बदलाव हुई है और आज के नए और पुराने लुहे का ताजा भाव क्या है, बताएंगे आप सभी को बिल्कुल विस्तार में। उससे पहले अगर आप भी वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो वीडियो को लाइक कर देना और रोजाना की लुहा व सरिया के भाव से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बात करें इस समय नए और पुराने लुहे की कीमतों की, पुराने लुहे के भाव इस प्रकार से 36 रुपए से लेकर 39 रुपया प्रति किलो के बीच आ गई है। वही नए लुहे के भाव 76 रुपए से लेकर 79 रुपया प्रति किलो पर कारोबार हो रही है। वही बीते 2 सप्ताह के दौरान कई शहरों में सरिया 2 से 3 हजार रुपया प्रति टन तक महंगा हुआ है। वही कई शहरों में सरिया सस्ता भी हुआ है। हालांकि ये अभी भी बीते साल जुलाई महीना की तुलना में 6 हजार रुपया प्रति टन तक सस्ता मिल रहा है। दोस्तों बात करें इस समय भारत के अलग अलग शहरों में सरिया की कीमतों की, जैसा कि आप इस लिस्ट में देख पाओगे, मंडी गोविंदगढ़ में सरिया का भाव किस प्रकार से है, कानपुर में सरिया का भाव क्या है, गाजियाबाद में सरिया का भाव क्या चल रहा है, रायपुर और रायगढ़ में सरिया का भाव किस प्रकार से है, मुजफ्फरनगर में सरिया का भाव क्या है, भावनगर में सरिया का भाव क्या चल रहा है और दुर्गापुर और कोलकाता में सरिया का भाव किस प्रकार से है और आज सरिया के भाव में कितनी बड़ी उतार चढ़ाव देखी गई है, पूरी जानकारी इसी लिस्ट में बताई गई है। आप अपने शहरों और जिलों का सरिया का भाव इसी लिस्ट में जान पाओगे।